जम्मू कश्मीर नाउ के सभी मित्रों का स्वागत है। वीरेंद्र सिंह चौहान का प्रणाम स्वीकार करें। आज की सभा अपने निर्धारित समय से 9 मिनट देरी से शुरू हम कर पा रहे हैं। सबसे पहले इस देरी के लिए क्षमा याचना करता हूं और फिर स्वागत करता हूं आज के हमारे मेहमान श्री किरण शेलार जी का। किरण जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं मुंबई तरुण भारत के और महा mtb.com जो एक पोर्टल है, समाचार पोर्टल है, न्यूज पोर्टल है, आप उसके भी संपादक हैं। वर्ष 2000 से यानी 2 दशक से पत्रकारिता में आप हैं, महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए भी आज आप हमारी इस सभा के मेहमान हैं। आज बतौर विशेषज्ञ हमारे सामने बातचीत के लिए उपस्थित हैं, क्योंकि आप पालघर में बिल्कुल ग्राउंड जीरो जिसे कहते हैं, ग्राउंड जीरो पर होकर आए हैं। वहां लगातार 3 दिन वहां की जमीनी स्थिति, वहां के घटना चक्र की जिसे ग्राउंड जीरो की पड़ताल कहते हैं, उसे आप स्वयं करके आए हैं। किरण जी एक बार फिर से जेके नाउ में आपका स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। किरण जी, संतों की हत्या हुई पालघर में और आप ग्राउंड जीरो पर जाकर लौटे हैं, इस सारे घटनाक्रम को बतौर संपादक आप कैसे देखते हैं? ग्राउंड जीरो पर आपने जाकर क्या पाया? मैं चाहूंगा कि वहीं से हम बातचीत शुरू करें। ये घटना क्यों हुई, इसको लेकर वहां धरातल पर क्या फीडबैक या इंफॉर्मेशन आपको मिला? डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं जेके नाउ का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसका कारण ये है, और विशेष रूप से धन्यवाद इस कारण से करना चाहता हूं कि इस विषय में, पालघर में जो संतों की हत्या हुई है, उस विषय में एक भ्रम, मैं उसको भ्रम ही कहूंगा जी, ये फैलाया जा रहा है कि ये घटना जो घटित हुई, जो बहुत दुखद थी, ये घटना एक अफवाह के कारण वहां पर हुई, एक गलत प्रकार के अपप्रचार के वजह से वहां हुई जी, कि वो संत वहां पर पहुंचे थे गलती से और उन्हें चोर मानकर मारा गया, या फिर उन्हें किडनी निकालने वाले लोग मानकर पकड़ा गया और उनकी हत्या हुई जी। मैं गढ़चिंचले तक जाकर आया। गढ़चिंचले ये वो गांव है जहां पर ये हत्या हुई, और काफी रूरल गांव है ये गांव की। ये गांव महाराष्ट्र की बॉर्डर पर है, यहां से महाराष्ट्र खत्म होता है और दादरा नगर हवेली का केंद्र शासित प्रदेश शुरू हो जाता है जी। मैं ये थोड़ा डिटेल में इस कारण विस्तार से बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो घटना हुई, हमें उस घटना, यहाँ की जो स्थानीय सरकार है और पुलिस प्रशासन है, वो यही बताने पर तुला हुआ है कि ये घटना एक अफवाह के कारण हुई, एक गलत फहमी के कारण हुई जी। गलत फहमी या अफवाह वहां पर थी, वो नहीं थी, ऐसा नहीं है, लेकिन इस घटना को हमें 3 आयामों से देखना पड़ेगा जी। पहली तो अफवाह, वो अफवाह ये थी कि वहां पर गांव में रात को कुछ चोर आते हैं और वहां पर किडनी निकाली जाती है, छोटे बच्चों की किडनियां निकाली जाती हैं या चोरी करते हैं जी जी। ये है एक। दूसरी वो घटना जिसमें उन दो साधुओं की और उनके ड्राइवर की हत्या हुई। तीसरा, हमें इसके रूट कॉज एनालिसिस में अगर जाना है तो सोचना पड़ेगा कि चोर मिलने की संभावना, चोर मिलने की अफवाह देश भर में ग्रामीण इलाकों में काफी हद तक होती है और उसकी चलती है और उसकी कुछ प्रतिक्रियाएं भी आती है, लेकिन जिस बर्बरता से उन्हें मारा गया है, पहले तो उन्हें पकड़ा गया है, फिर उन्हें पकड़ के मारा गया, फिर उन्हें वहां पर एक वन विभाग की चौकी है, चौकी में रखा गया, और उसके बाद एक बड़ा समूह आकर उस समूह ने उसको पीट पीट कर मारा है जी। उन्हें पकड़ा जाना ये एक घटना है, और उनकी हत्या होना ये दूसरी घटना है।
ये दूसरी घटना इस कारण से समझना जरूरी है क्योंकि पहली घटना और दूसरी घटना, इन दो घटनाओं के बीच कम से कम जो मेरा अंदाज है, जिसकी पुष्टि पुलिस कोई रिपोर्ट्स नहीं करती है, वो ये है कि इन दो घटनाओं में कम से कम एक या डेढ़ दो घंटे का अवकाश है। माने वहां से नियरेस्ट जी, जब पहली बार इन संतों को या इन तीनों व्यक्तियों को, जिसमें दो संत हैं उनका चालक है, जब इनको रोका गया है उस समय में, और अंततो गत्वा भीड़ ने जब इनकी निर्ममता से हत्या की है, तो ये कोई ऐसी घटना नहीं है कि इंस्टेंट इनको पकड़ लिया और ताबड़तोड़ इनकी हत्या कर दी गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हीट ऑफ द मूवमेंट में नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। वहां समय भी है, वहां पर भीड़ को आने का वक्त है, और वहां पर वन विभाग की के कर्मचारी या उनकी चौकी भी है, वहां पर पुलिस भी है सीन में, तो इसको किसी पुलिस सीन में है वो मैं बताता हूं जी। पुलिस बाद में आई है और पुलिस के आने का जो समय है वो समय मेरे अंदाज से कम दो घंटे का है, जबकि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वहां पर कासा है, कासा एक तालुका है, तहसील है वहां पर जी। और गढ़चिंचले से पुलिस स्टेशन का रास्ता ये कम से कम 25 मिनट से 30 मिनट का है, अगर वो तुरंत निकलते हैं तो जी। पहला सवाल उठता है कि क्या वो तुरंत निकले थे, क्या वो समय पर पहुंचे थे, यदि वो पहुंचे थे तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की, काफी प्रश्न ग्राउंड ग्राउंड पर जाते हैं तो उभर कर सामने आते हैं जिनके हमें उत्तर ढूंढने पड़ेंगे। किरण जी, वो जो एक मैं पल भर के लिए रोकूंगा, वो जो वीडियो आया है सतह पर जिसमें किसी खाकी धारी का हाथ वो संत पकड़ रहे हैं बचाव के लिए, वो वन विभाग का वन रक्षक है या पुलिस का कर्मचारी है? पुलिस का कर्मचारी है। वो पुलिस का कर्मचारी है, तो ये तो स्थापित तथ्य है अब कि पुलिस के पहुंचने के बाद हत्या हुई है, और पुलिस वालों से जो कि उनकी ड्यूटी भी हुई है, पुलिस के सामने हत्या हुई है जी, और पुलिस से वो मदद मांग रहे थे, पुलिस मदद देने के बजाय बचाव के लिए कुछ फायरिंग करने, कुछ डंडा चलाने के बजाय हथियारों के सामने पुलिस नतमस्तक है और इन संतों को उनके हवाले कर रही है, इसमें तो कोई विवाद नहीं है। बराबर है, बराबर है। जी 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 किरण जी, और क्या वहां से निकल करके आया आपकी पड़ताल में? देखिए, ये दो तीन बातें और वहां से उठती है। हमने उस पूरे परिसर में चक्कर लगाया और ये पाड़े हैं, यानी छोटे छोटे पाड़े होते हैं, जिस गांव में हत्या हुई है हमने उसके कुछ वीडियोस भी बनाए हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दो तीन दिन में हम मराठी और हिंदी और इंग्लिश में भी करें क्योंकि वो मराठी में है जी। ये जिस गांव में ये हत्या हुई है उस गांव में अगर हम घूमे तो उस पाड़े में पाड़े माने क्या, जिसको मालूम नहीं उसको क्या समझाएंगे? मैं बताता हूँ, पाड़ा यानी वहां पर ग्रुप ग्राम पंचायत होती है। ग्रुप ग्राम पंचायत का मतलब महाराष्ट्र में ये होता है कि उस ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत की नीचे की इकाई में पाड़ा आता है। अच्छा। और ये पाड़े में 10 घर, 20 घर, 25 घर, ऐसे वो पाड़े होते हैं। तो पाड़े मिलाकर ग्राम पंचायत बनाते हैं, ग्राम पंचायत बनती है, और एक पाड़े से दूसरे पाड़े तक का अंतर कम से कम 2 से 3 किलोमीटर का है बाय रोड। बाय रोड वहां पर जो सबसे नजदीकी गांव है वो भी कम से कम 3 से 4 किलोमीटर के अंतर पर है। पहाड़े तो फिर जंगल से भी कोई चल के आए तो भी 3-4 किलोमीटर से कम का समय नहीं है। तो ये प्रश्न सामने आता है कि इतने कम समय में अगर पुलिस का जो कहना है कि वो वहां तक, वहां पर तुरंत पहुंचे और ये सब हुआ, तो जिस गांव की जनसंख्या, घरों की संख्या 20 से 25 भी नहीं है जी। उस गांव में यदि हम पुलिस के, जो पुलिस का प्राइमरी प्रेस रिलीज आया है जिसमें वो कहते हैं, जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, कि 500 से अधिक लोगों ने इकट्ठा आकर प्लान करके ये हत्या की है, ऐसा पुलिस का ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट है, पालघर एसपी ऑफिस ने जो पब्लिश किया हुआ है। सवाल ये उठता है कि 500 लोग जिस गांव में, 25 घर है जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग हैं,
बच्चे हैं और यूथ है, तो ऐसे 25 घरों में जहां मारापीटी हो रही है वहां उसमें महिलाएं तो नहीं है, वृद्ध लोग तो नहीं है, तो इन 25 घरों में से ऐसे कितने लोग आए और फिर इतनी सारी भीड़ वहां पर कैसे जमा हुई और कितना समय उन्हें पकड़ा जाने, उन्हें पकड़ने के बाद और उनकी हत्या होने के बाद, इन दो घटनाओं में बीच में कितना समय है और ये मोबिलाइजेशन किसने किया है, ये मोबिलाइजेशन कैसे हुआ है, ये इतने लोग कैसे आए हैं और ये इतने हिंसक क्यों हैं? जी डॉक्टर साहब जी, तो ये कुल मिलाकर पुलिस ने ये तो स्वीकार किया कि ये ऑर्गेनाइज्ड मोबिलाइज्ड भीड़ ने हत्या की है, पड़ताल का विषय यह है कि उस भीड़ को मोबिलाइज करने वाले कौन लोग हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है अभी तक, जो पब्लिक डोमेन में कुछ चीजें आई हैं, कुछ पुलिस के सूत्रों से भी आपकी बात हुई होगी, तो क्या इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जाता हुआ प्रतीत होता है? यानी सारा देश, बाकी चीजों को छोड़ें, पहली बात तो देश में जो सामान्य नागरिक है, संवेदनशील नागरिक है, उसके मन में प्रश्न यही है कि क्या इन्वेस्टिगेशन किसी परिणाम पर पहुंचेगी या अंधेरे में चीजों को गोलमोल करके वो उस पर मिट्टी डाल दी जाएगी। इन्वेस्टिगेशन की दिशा से आप संतुष्ट हैं क्या? नहीं, इन्वेस्टिगेशन की दिशा से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं जी। उसका कारण ये है कि गढ़चिंचले की जो सरपंच है उनका नाम है चित्रा चौधरी जी। चित्रा जी से हमने बड़ी मशक्कत के साथ बात की, जब दोपहर को गढ़चिंचले पहुंचे तब वहां जाकर पता चला कि उन्हें एसपी ऑफिस लेकर गए हैं। तो हमने हमारे सूत्रों के आधार पर उनसे संपर्क करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो हो नहीं पाया और देर रात को 8 बजे जब उनको एसपी ऑफिस से वापस ला रहे थे तो हमने कुछ ना कुछ करके उन्हें जो गुजरात मुंबई हाईवे है वहां मस्तान नाका करके एक जगह है, टोल का बड़ा हाईवे है, वहां पर जाके हमने उनसे कैसे कैसे भेंट की और वहां उनके साथ एक साक्षात्कार भी किया है जो MyMTV के पोर्टल पर, फेसबुक पेज पर और यूट्यूब के पेज पर भी है। वो एक शख्स का नाम लेती है, वो कहती है कि वो पूरी घटना का क्रम बताती है। वो कहती है कि मैंने उन गांव के लोगों को रोकने का प्रयास किया और उन साधुओं को बचाया, हालांकि उन साधुओं को वहां से उतारकर चौकी तक लेकर जाने का कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है क्योंकि किसी ने वो फिल्म नहीं किया है। वो जो काम है उन्हें बचाना और उस चौकी पर लेकर जाना, ये काम उस सरपंच ने किया है और चित्रा चौधरी जिनका नाम है वो है, मैंने युवा उम्र की सरपंच है। आखिर में उन पर भी पथरा हुआ इसलिए वो वहां से निकल गए। अब भीड़ जब आती है तो भीड़ के वीडियोस में एक नाम आता है कि मराठी में वो जोर जोर से चिल्लाते हैं कि दादा आया दादा आया। अब दादा आया दादा आया, जो उन्होंने हमने पूछा उनको कि ये दादा कौन है, ये कौन आया है, तो उन्होंने कहा कि वो NCP यानी शरद पवार जी की जो पार्टी है उस पार्टी से जुड़ा हुआ वो वहां पर एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति वहां पर आकर पहुंचा था। जिला परिषद का प्रतिनिधि है, जिला परिषद का कोई जी, जिसका उन्होंने वहां पर नाम भी लिया है और उसकी पार्टी भी बताई है। अब सवाल ये उठता है कि ये व्यक्ति वहां पर क्यों आया था, कितने लोगों के साथ आया था, क्यों आया था, और पुलिस ने उसकी कोई शिनाख्त या अरेस्ट या कुछ भी क्यों नहीं की है, या उसका कुछ औपचारिक स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया है जी। दूसरी बात ये है कि वहां पर ये घटना होने के बाद जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे पुलिस के कर्मचारियों का निलंबन हो रहा है, यानी सस्पेंड कर रहे हैं या तो छुट्टी पर भेज रहे हैं, तो इससे दिशा तो स्पष्ट नहीं होगी। और बर्बरता ये है कि दूसरे दिन से जब ये आदिवासियों को अरेस्ट करना शुरू किया तो कुछ लोग तो डर के मारे जंगल में भाग गए, और मैं सुनता हूँ यद्यपि उसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है कि एक महिला जो प्रेग्नेंट थी उसे भी बच्चे को जंगल में जन्म देना पड़ा, मैंने सुना है इसकी भी पुष्टि नहीं हुई कि कोई भूख से मर गया क्योंकि सब लोग डर के मारे जंगल में भाग गए कि पुलिस आकर हमको अरेस्ट कर रही है, तो उठा उठा कर लोगों को बाद में लेकर गए हैं।
तो एक स्थिति ये भी है कि जब जांच पड़ताल शुरू होगी, जिस भीड़ ने मारा उस भीड़ के बारे में पुलिस पड़ताल करेगी, वो दबाव में करे या वास्तव में उनको जो उनकी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करते हुए, तो उस प्रक्रिया के कारण भय किसका है? ये पुलिस का भय है या उन लोगों का भय है जो इस हत्या के ऑर्गेनाइज करने वाले लोग थे, उनका भय है कि कहीं सच्चाई सामने आने के डर से वो इनको प्रताड़ित कर रहे होंगे जो लोग जंगल में जा रहे हैं? इस भय, ये पुलिस वाला भय है या उन लोगों का, संदिग्ध लोगों का, आरोपित लोगों का भय है जो इस हत्या में वास्तव में शामिल है? आपकी क्या फीलिंग है? चित्रा चौधरी जी के साथ जो हमने इंटरव्यू किया उसमें उन्होंने ये दोनों, आप जो आपने बहुत सही सवाल पूछा है, उन्होंने ये दोनों शंकाएं या क्या कहेंगे, ये दोनों चीजें उन्होंने जी उजागर की सही इंटरव्यू में। एक तो पुलिस का डर तो है ही कि निर्दोष लोगों को भी पकड़ा जा रहा है, और अभी एक आया है कि कुछ जिनको पकड़ा है उनको भी कोरोना से वो भी ग्रस्त हो गए हैं जी। अब दो चीजें हैं कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो पूछा कि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसी हिंसा हमारे गांव में फिर से हो सकती है और इसलिए मेरे गांव में एक पुलिस चौकी होना बड़ी जरूरी है, नहीं तो ये फिर हो। तो ये दोनों तरीके के डर हैं कि पुलिस भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी और पुलिस और जिन्होंने ये हिंसा की है वो फिर से आकर, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस लोगों को पकड़ रही है तो मेरे ऊपर ये ब्लेम आएगा कि मेरी, मैंने जो बताया उस वजह से पुलिस हमें पकड़ रही है। किरण जी, वहां से जो जमीनी पड़ताल में से तथ्य एक उभर कर आ रहा है कि उस इलाके में पिछले कुछ वर्षों, कुछ दशकों में वामपंथी विचारधारा के लोगों की गतिविधियां बहुत ज्यादा रही हैं, उनके उन्होंने वहां के आदिवासियों को विषाक्त करने के लिए लंबा चौड़ा एक जाल फैलाया है। कुछ ईसाई मिशनरियां भी वहां सक्रिय हैं, कभी कभी ये इकट्ठे होकर भी काम करते हैं। एक पक्ष वो है, जब उस पक्ष की पड़ताल होने लगी, उसकी चर्चा होने लगी, इस बीच में एनसीपी के इस व्यक्ति का नाम आता है कि वो दादा आया, वो क्या फोर्स है? और फिर तीसरी बात, जब ये दोनों बातों की चर्चा हो रही थी तो एक मसला कहीं से उछाल दिया गया कि जो लोग पकड़े गए हैं हत्या में तो वहां के भाजपा के कुछ लोग शामिल हैं, ये बात भी सोशल मीडिया पर या मीडिया के एक पक्ष में आई, इसका सत्य क्या है? वहां राजनीतिक लोगों की भूमिका क्या है? नहीं, भाजपा का वहां पर, एक तो देखिए वहां पर जो MLA है जी, वो CPI का जी, महाराष्ट्र में जो वो चुनकर आया है वो वहां का MLA CPI का है। लेफ्ट की गतिविधियां वहां पर बहुत ज्यादा है, वहां पर अलग अलग तरीके के संगठन है, वहां पर सरपंच BJP की है, लेकिन वहां पर सदस्य सबसे ज्यादा CPI के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के ही हैं जी। और ये जो तहसील है या फिर जहां पर ये घटना हुई, तलासरी तहसील है वो, ये तलासरी बहुत लंबे समय से कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ माना गया है और जिसे कहें कि ये हिंसा जो कम्युनिस्ट या लेफ्ट आइडियोलॉजी का मुख्य आधार है अपनी राजनीति करने का, जो हमें पश्चिम जो हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा था और त्रिपुरा में भी देखा था जी। सो इसका एक मिनी मॉडल आपको पालघर के कलासरी में अगर आप जाकर देखें तो वहां पर, ये तीन तहसील है जो ट्राइबल डोमिनेटेड है, एक तो वैसे तो पालघर जिला पूरा ट्राइबल डोमिनेटेड है जी। लेकिन ये तीन तहसील स्पेसिफिकली अंडर डेवलप्ड है, वहां पर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, फिर भी वो जैसे महाराष्ट्र में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में जैसे एग्रीकल्चर एक मेन ट्रेड और ऑक्यूपेशन है, वैसे यहाँ पर नहीं है, आर्थिक निर्भरता उस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर नहीं है, तो उसका कारण यहाँ पर जो वामपंथी विचारधारा जो चलती है और त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल और जहां जहां हम जाकर देखते हैं कि वामपंथी विचारधारा जहां जहां राजनीतिक विचारधारा होती है तो वो क्षेत्र जिन जिन बातों से वंचित रहता है उन सभी बातों से ये क्षेत्र भी वंचित रहा है जी।
अब यहाँ पर समस्याएं बहुत सारी है और उनके रुझान कुछ नहीं निकल के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपने प्रारंभ में कहा कि यहाँ पर 3-4 आदिवासी संगठन अलग अलग नाम से सक्रिय है जी। और ये संगठन सभी आदिवासियों को भड़काना, आदिवासियों को उनकी मूल धारा के विरोध में लेकर जाना, उनको अपने सांस्कृतिक मूल्यों से तोड़ना, उनको अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस से तोड़ना, ये सब बहुत भारी मात्रा में करता है जी। अब यहाँ पर तीन, जैसे मैंने कहा, एक तो जवार है, उसके बाद तलासरी है और विक्रमगढ़ है। विक्रमगढ़ में इतना नहीं है, लेकिन जवार और तलासरी इन दो तहसीलों में जबरदस्त विरोधी विचारों का काम, असामाजिक विचारों का काम यहाँ पर चलता है। 5-6 इनके मुद्दे हैं जिनके आधार पर ये आदिवासी युवाओं को बहकाते हैं। पहली बात तो ये है कि राम आपके भगवान नहीं है, आपके भगवान रावण है। अच्छा, अब ये रावण भगवान कहाँ से आ गए हैं, किसने उनको लाया है, इसका कोई तर्क नहीं है। इसके आपको, आप फेसबुक पर जाएंगे, आप व्हाट्सएप पर जाएंगे, तो ऐसे इस संकल्पना को विस्तृत करने वाले बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आपको इस क्षेत्र में मिलते हैं कि राम आपके भगवान नहीं है, रावण आपके भगवान है जी। आपके पारंपरिक, आपकी पारंपरिक देवी देवताएं शिवजी नहीं है, राम नहीं है, हनुमान नहीं है, गणेश जी नहीं है, आपके पारंपरिक आराध्य दैवत, इष्ट दैवत हिरोबा है, वागदेव है, या और वहां पर लोकल ट्राइबल्स के जो दैनंदिन पूजन के देवी देवता हैं वो है। अगर इसका सूक्ष्मता से देखें तो हम मानते भी हैं और ये हिंदू परंपरा का प्रचलन भी है कि निसर्ग की पूजा करने वाला, निसर्ग के तत्वों की आराधना करने वाला भी हिंदू समाज ही है। जरूरी नहीं है कि वो शिवजी की ही पूजा करे, गणेश जी की ही पूजा करे। और यहाँ के ट्राइबल्स की अगर आप विवाह की परंपराएं देखें, या फिर ट्राइबल डांस नृत्य की परंपराएं देखें, या खेती जब करते हैं तब गाए जाने वाले कम्युनिटी सॉन्ग्स या कम्युनिटी के गाने अगर उन्हें सुने तो उसमें शिवजी आते हैं, राम आते हैं, गणेश जी आते हैं, सब आते हैं। फर्क यहाँ पर ये है कि ये या सर्वसाधारण हिंदू समाज में शिवजी, गणेश जी और ये सारे मुख्य देवता हैं और बाकी सब खंडोबा और बिरोबा, ये सब उपदेवताएं हैं जी। तो ये जो हमारे यहाँ हिंदू समाज में वैविध्यता है, उस वैविध्यता का उपयोग ये लोग भेद निर्माण करने के लिए तैयार कर रहे हैं जी। अब हिरोबा कौन है, बिरोबा कौन है, वागदेव कौन है, ये सब अगर हम सूक्ष्म में जाए तो ये सब हिंदू परंपराएं हैं। हिरोबा का पूजन यहाँ पर दशहरे के दिन ही किया जाता है और दशहरा ये आदिवासियों में बहुत बड़ा सन माना जाता है जी। लेकिन उनमें बुद्धि भेद निर्माण किया जा रहा है, एक समाज को दूसरे समाज के सामने खड़ा करने की पूरी तैयारी की जा रही है। और ये सब करने के पीछे क्रिश्चियन मिशंस है, ये सब करने के पीछे आदिवासियों के नाम पर चलने वाली 3-4 अलग अलग ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस है। जमीन का एक मुद्दा बहुत बड़ा है कि आप ट्राइबल हो तो आप जंगल में जाओ, फॉरेस्ट राइट एक्ट के अनुसार जो भी जंगल का हिस्सा आपको लगता है वो आपका है, वो जंगल काटो वो आपको मिल जाएगा और उसका 7 बार यानी उसके प्रॉपर्टी पेपर्स हम आपके नाम पर करके देंगे। अब ये प्रॉपर्टी पेपर्स नाम पे हुए हैं या नहीं हुए हैं ये अलग संशोधन का विषय है, लेकिन आदिवासियों को ये लालच दिखाकर उनके साथ जोड़ने का बहुत बड़ा षड्यंत्र इस सारे हिस्से में चल रहा है। और उसी कारण से आदिवासियों में इन सारे विषय के लिए फॉलोइंग बढ़ा है इन सब संगठनों के पीछे जी। हिंसा यहाँ की जी। हाँ जी किरण जी, बहुत सारे जो मित्र इस समय फेसबुक पर हम लोगों को देख रहे हैं, उनकी टिप्पणियां, उनके सवाल भी आ रहे हैं, उनको नाम से मैं शामिल कर लूं आगे बढ़ने से पहले। उज्ज्वला करामबलेकर जी बता रही हैं कि चर्चा अभी तक इन्फॉर्मेटिव है। मंजुला नैथानी वो कह रहे हैं कि घटना की तह तक, सच्चाई तक जाना
बहुत जरूरी है। पार्थ ओजस पांडे कह रहे हैं, उनका सवाल है रेदर कि इसके लिए पूरी तरह से किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इंजीनियर दीप्ति कह रही हैं कि जो राजनीतिक लोगों की भूमिका और वामपंथ की खास तौर पर भूमिका, उसको स्पष्ट रूप से सामने लाने की आवश्यकता है। इंजीनियर दीप्ति ये भी कहती हैं कि भड़का वहां के जो ये जो वामपंथी लोग हैं, ये युवाओं की भावनाओं को भड़का कर उनका देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। किशोर एलानी जी एनआईए की जांच की मांग कर रहे हैं कि वहां की पुलिस से शायद जो जांच चल रही है उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं प्रश्न जो पीछे मैंने पूछा उसको फिर दोहराऊंगा, कुछ चीजें और स्पष्ट आपसे, आप ही स्पष्ट कर सकते हैं क्योंकि आप धरातल पर हो, धरातल से आए हो और धरातल के बहुत करीब हो। प्रश्न से पहले भी जो मित्र सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर इस बातचीत को देख रहे हैं, आप सबसे अनुरोध करूंगा कि लाइव का लिंक जो है अपनी अपनी टाइमलाइन पर और अपने मित्रों के साथ साझा करते हुए उन्हें भी इस बातचीत का हिस्सा बनाएं। पालघर की जमीनी स्थिति वो देश के जागरूक नागरिकों तक, हर जागरूक हिंदुस्तानी के फेसबुक तक या उसके किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिक लोगों तक जाए, ये हमारी आज की इस पूरी कसरत का, इस कवायद का मकसद है। किरण शेलार जी जो कि तरुण भारत मुंबई के संपादक हैं, महाएमटीबी.com के भी संपादक हैं, जो स्वयं 3 दिन पालघर लगाकर आए हैं उस समय में जबकि मीडिया पर आरोप यह है कि मीडिया धरातल से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, या कम से कम जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, कम से कम राष्ट्रीय मीडिया है, उसमें बहुत कम लोग हैं जो जमीनी स्थिति का सही चित्रण लोगों के सामने रख रहे हैं। सवाल फिर दोहराऊंगा किरण जी, ये कुछ लोगों ने कहा कि भाजपा के कुछ लोग शामिल थे, शायद वो एक डाइवर्जनरी टेक्टिक रही होगी, उसका सत्य क्या है, आपको क्या पता चला अपनी पड़ताल में? मैंने जैसे कहा कि वहां पर सरपंच भाजपा की है और उन्होंने जो किया वो सारा डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, वो पुलिस के रिपोर्ट में भी आया है जी। वहां पर जो सरपंच है वो सरपंच ने उन साधुओं को बचाया, चौकी तक लेकर गए, बाद में उन पर भी हल्ला हुआ, फिर वो वहां से निकल गई। तो वास्तव भाजपा की इन्वॉल्वमेंट का ये है, अगर हमें तथ्य सुनने हैं और वो तथ्य हमें मानने भी है, तो जो अरेस्ट हुए हैं उनको तो रैंडम अरेस्ट किया है, यानी उनमें तो सब आरोपी है, और उस हत्या के जितना मैं जानता हूँ उस हत्या के जो वीडियो में दिखते हैं उनकी भी शिनाख्त कल परसों 2-3 दिनों तक नहीं हुई थी, काफी लोग भागे हुए हैं और उनको अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुई है। और हमें प्रश्न जिन्होंने पूछा जो एनआईए के माध्यम से होना चाहिए, तो मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि इस सारी घटना का जैसे अपने राष्ट्रीय मीडिया का काम, इस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने वीडियो में कह दिया कि वहां तक पहुंचना भी मुश्किल है, इतना वो गांव दूर दराज में है, जाने के लिए दूर है, लेकिन वो गांव जाने के लिए मुश्किल नहीं है, वहां पर बहुत बढ़िया रास्ता है, गाड़ी लेकर आप जा सकते हैं, लेकिन हमें इसके सत्य के, यानी हमें इसका रूट कॉज एनालिसिस करना ही नहीं है। एक परसेप्शन पहले दिन से इस राज्य के प्रमुख ने तय कर दिया कि यह घटना अफवाह की वजह से हुई है। इस जिले में, इस तहसील में राजनीतिक विचारधारा को टिकाई रखने के लिए हिंसा करना ये बहुत ही मामूली बात है। 17 वीडियो हमने बनाए हैं, 17 वीडियो में पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, जनजातीय कार्यकर्ता हैं, वो यही फिर बार बार यही बताते रहते हैं, यानी किसी का घर जला दिया, किसी के घर में राशन की दुकान है तो उसी के घर से केरोसिन लेकर उसके घर पे डालकर जला दिया, किसी की गाड़ी जला दी, किसी के गाय बैल को भी नहीं छोड़ते हैं, अगर बाड़े में गाय बैल बांधा हुआ है तो गाय की निर्ममता से पूछ काट दी, बैल के पैर काट कर चले गए, गर्दन काट कर चले गए, बकरियां हैं तो बकरियों की रीढ़ की हड्डी तोड़कर वहीं पर डालकर चले गए। तो ये इतनी हिंसा क्यों होती है, इसका आपको वहां पर उत्तर मिल जाता है। अफवाह की जो बात है, ये अफवाह वहां पर कौन फैलाता है, इसी प्रकार की अफवाहें और 4 गांवों में भी है,
एक अफवाह ऐसी थी कि कोरोना फैलाने के लिए रात को लोग घूमते हैं, उनको पकड़कर मारिए। एक वहां पर लुईस काकड़ करके सरपंच है गांव के जी। वो कोरोना के अवेयरनेस के लिए घूम रहे थे, क्रिश्चियन डोमिनेटेड यानी मिशन डोमिनेटेड गांव है, वो सरपंच रात को घूम रहा था अवेयरनेस के लिए कोविड के जी। तो वहां पर अफवाह फैलाई गई कि ये पुलिस की छोटी झूठी गाड़ी लेकर घूम रहा है और अब इसको मार डालना चाहिए और ये आपके बच्चों की किडनियां निकालने वाला है जी। अब यहाँ बैठकर अगर हम इस अफवाह का सोचते हैं तो इस दूर दराज में जाकर किडनियां निकालना असंभव है, लेकिन उस रात को उस सरपंच को मारने के लिए लोग कुल्हाड़ियां लेकर घूम रहे थे, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी की है। तो ये अफवाहें कौन फैलाता है और अफवाहों के आधार पर हिंसा कौन करता है और इस हिंसा के आधार पर अपनी राजनीति कौन चलाना चाहता है? अफवाहें जी जी, अफवाहें हैं, हिंसा है, हिंसा वहां के आदिवासी समाज में सुनियोजित तरीके से उसको हिंसक बनाने का लंबे समय से काम चल रहा है, एक ये निष्कर्ष आपकी बातचीत में से निकल कर आ रहा है। परंतु एक आरोप आपने भी अप्रत्यक्ष रूप से वहां जो लग रहा है या सवाल उठ रहा है वहां के मुख्यमंत्री पर कि उन्होंने पहले ही दिन ये कह के कि भ्रम के कारण ये जो है हत्याएं हो गई, उससे क्या ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उद्धव ठाकरे या वहां का जो एस्टैब्लिशमेंट है जिसके वो मुखिया हैं, जिसमें एनसीपी भी है, जिसमें कांग्रेस भी है, ये सच्चाई तक जाना ही नहीं चाहते, क्या ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है, सच्चाई तक जाना ही नहीं चाहते। और वहां पर क्योंकि देखिए जैसे जनजातियों की जनजाति एरिया में प्रशासन जिस प्रकार से बर्ताव रखता है जी, कि काफी निग्लिजेंस होता है, हो गया हो जाने दो, अगर कोई पुलिस में रिपोर्ट दिखाने जाता है तो उसको उल्टा पूछते हैं कि इतनी रात को तुमको दिखा कैसे, तुम शिनाख्त कैसे करोगे, और उसको वापस भेज दिया जाता है। तो डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होता और रिकॉर्ड पर घटनाएं आती भी नहीं है। आप अगर 10 साल 15 साल तक भी पीछे चले जाए तो हर तहसील में, हर जिले में, ये इस जिले के हर तहसील में राजनीतिक हिंसाचार बहुत ही कॉमन है। यानी घर जला दिया, गाड़ी जला दी, जानवर मार दिए, लोगों को मार दिया, धमकाना, ये एकदम कॉमन है यहाँ पर। और मुझे डर है कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र बनने जा रहा है महाराष्ट्र का और एक गढ़चिरौली के बाद जी। कुल मिलाकर तो जो जिस तरह की इनपुट्स आ रही हैं, आप स्वयं धरातल से आए हैं, उसका अर्थ तो यही है कि जिस तरह की ये लाल रंग की हिंसा है, जिस तरह की नक्सल जो एक्सट्रीम नक्सल क्षेत्र हैं, उस तरह का वहां पर परिवेश और माहौल बना हुआ है और इस सच्चाई से कहीं ना कहीं वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां का शासन है, वो मुंह मोड़ रहा है। ऐसे में ये सवाल बार बार, कल भी हम इस विषय पर जब चर्चा कर रहे थे तो जो हमारे देखने वाले सुनने वाले मित्र हैं वो ये कह रहे थे कि वहां का शासन, वहां की पुलिस वो सच्चाई को उजागर करेगी, इस बात की संभावना तो लगती नहीं। और जब पुलिस पर ही ये आरोप हो कि साहब आप तो हाथ पे हाथ बांध के खड़े थे, आप तो शामिल लगते हैं सारे षड्यंत्र में, तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन क्या महाराष्ट्र से बाहर नहीं जानी चाहिए? इस विषय को कोई उठा रहा है कि नहीं वहां पर? नहीं, यहाँ पर कोई ज्यादा आवाज इस पर नहीं उठी है क्योंकि कोरोना के विषय में सारे व्यस्त है। लेकिन इंडिपेंडेंट देखिए, अगर अभी स्टेट की पुलिस इस सारे विषय की जांच करती है तो उन्होंने क्या उसका रिजल्ट देना, यानी इस पूरी क्या घटनाक्रम का परिणाम क्या हो सकता है या डॉक्यूमेंटेड फैक्ट सामने क्या आएगा, तो वो तो राज्य के मुखिया ने पहले दिन ही बता दिया है कि ये अफवाह के कारण हुआ। लेकिन अगर हम इसके रूट तक जाना चाहते हैं तो इस पूरे क्षेत्र में होने वाली वामपंथी हिंसा जी, ये वामपंथी हिंसा अगर हमें उजागर करनी ही नहीं है, उसकी नेशनल लेवल पर चर्चा ही नहीं करनी है, तो फिर आपके सामने ये क्यों हुआ, इसका एक उत्तर तो अब बना बनाया पहले ही दिन राज्य के मुख्यमंत्री ने रख दिया है।
तो अब अलग से तथ्य ढूंढने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। गए तीन चार पांच दिनों से चार पांच इस तरीके से पुलिस को निलंबित कर दिया जा रहा है, क्योंकि ट्राइबल एरियाज में जो होता है कि भाई रफा दफा कर दो, इनकी तो कोई आवाज भी नहीं होती है, ये कहीं पहुंचने वाले भी नहीं है, कंप्लेंट लिखा नहीं लिखा तो भी ठीक है, बेसिक ह्यूमन राइट्स का भी वायोलेशन है। जो चित्रा चौधरी वहां की सरपंच है, जब हम उनके साथ मिले, हम मैंने मिले जी, एक महिला के साथ आप उसको सुरक्षा दे रहे हो तो महिला पुलिस होना जरूरी है, लेकिन के साथ कोई महिला पुलिस भी नहीं है, तो इस तरीके का निग्लेजेंस है, दबाव अबाव कुछ नहीं है, इन्होंने तय कर लिया है कि ये इस दिशा में लेकर जाना है, तो ये सब क्लियर है किस्सा। किरण जी, ऐसी स्थिति में जब वहां का सरकारी एस्टेब्लिशमेंट वो सत्य के आसपास जाने के लिए तैयार नहीं है, जब आप कह रहे हैं कि वहां की सरपंच के आधारभूत मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, और उस देश में जहां जरा सी किसी भी बात पर मुख्यधारा का मीडिया वो हल्ला कर दिया करता है ह्यूमन राइट्स के नाम पर और तमाम तरह के प्रश्न उठाकर, ऐसे में नेशनल मीडिया की भूमिका का भी आपने एनालिसिस किया होगा इस दौरान एक संपादक के नाते, राष्ट्रीय मीडिया, मुख्यधारा का मीडिया और जो मराठी का वहां का मीडिया है, आप राजधानी में बैठे हैं, इन दोनों की भूमिका किस किस तरह से आप देखते हैं, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या ये ढर्रे पर जो अब तक चलता रहा वैसा ही है या उससे कुछ दाएं बाएं हटने की कोशिश सकारात्मक या नकारात्मक दिशा में कुछ नजर आती है? नहीं, मैंने सारे वर्तमान पत्र भी पढ़े और चैनल भी कुछ हद तक फॉलो किए जी, ये सत्य कहीं भी बाहर नहीं आ रहा है, उन्होंने यही रट लगाए रखी है कि वहां पर रात को अफवाह थी और उस अफवाह की वजह से उन साधुओं की हत्या हुई। अगर ये अफवाह सत्य माने तो एक सरपंच का जो उदाहरण मैंने दिया तो उनकी भी हत्या हो जाती थी। अब कोरोना फैलाने वाले लोगों का जहां पर हमने ये सब सुना, उनकी भी हत्या हो जानी चाहिए थी। अब ये कोरोना वाला किस्सा है, उसको वहां पर एक बड़ी मजेदार चीज है, वहां पर जो फ्लाईओवर है रस्ते से नीचे उतरने के लिए हमें लगते हैं हाईवे से, क्योंकि एक गांव लगभग एक घंटा भर हाईवे से अंदर है, उन सारे हाईवे के फ्लाईओवर्स पर स्प्रे पेंट से लिखा हुआ था, हम एनआरसी का विरोध करते हैं, हम सीएए का विरोध करते हैं, हम ईवीएम का विरोध करते हैं, ईवीएम यानी ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भी विरोध करते हैं। अब इन सारी घटनाओं को आप आर यू रेडी टू कनेक्ट दीज डॉट्स, डू यू रियली वॉन्ट टू गो टू द रूट ऑफ द फैक्ट, डू यू रियली वॉन्ट टू डू रूट एनालिसिस ऑफ द फैक्ट, तो ये किसी की भूमिका नहीं है। एक दो चैनल अगर हम छोड़े तो मैंने वो गांव में भी पूछा कि वहां तक और कोई आया है क्या, तो तीन चार लोग आकर वहां गए, लेकिन उन सबका रुख जो है वो यही था कि ये गांव है यहाँ पर, ये यानी मुंबई जैसा शहर है जहाँ कम से कम 300-400 प्रभावी ढंग से चलने वाले अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें से अगर तीन चार लोग ही जाए और वो भी अगर यही तथ्य बनाए रखे तो हमको इंटरेस्ट ही नहीं है ये सब चीजों के अंदर जाने में। जी, करण सत सिंह शर्मा लिख रहे हैं कि इस समय में वहां अगर बाला साहब होते तो और तरह की, वो सत्ता में होते नहीं होते तो शायद वहां के शासन का की प्रतिक्रिया और तरह की होती, भावनात्मक या भावुक होकर के इस तरह की बातें भी देश में बहुत सारे लोग कह रहे हैं जब वो उद्धव की तरफ देखते हैं, इस पर आपका क्या टेक है? मेरा बचपन वरली और लालबाग और ये सब जगहों से गया है जी। मैं बड़ा हुआ, शिक्षा भी मेरी वही हुई है, तो शिवसेना और बाला साहब ये सारे फैक्टर्स मैंने बहुत नजदीक से देखे हैं, और पूरे देश में अब जो भावना व्यक्त हो रही है कि यदि बाला साहब यहाँ पर होते तो शायद स्थिति कुछ अलग हो सकती थी, घटना होने के बाद प्रतिक्रियाएं शायद कुछ अलग तरीके की हो सकती थी, तो हाँ मैं भी कुछ हद तक मानता हूँ कि ऐसा संभव हो सकता था, लेकिन
राजनीतिक पार्टियों की अपनी भूमिका होती है और वो भूमिकाएं उस वक्त क्या घटनाएं हो रही है उनके ऊपर निर्भर होती है। हमें इस पूरे घटना का बहुत डीपली एनालिसिस करना पड़ेगा। ये मिनी त्रिपुरा है, ये मिनी पश्चिम बंगाल है, ये मिनी गढ़चिरौली है, ये पहले हमें समझ कर लेना होगा। हिंदुत्व की राजधानी राजनीति एक अलग बात है और वामपंथी हिंसा और उस हिंसा के आधार पर अपना राजनीतिक धरातल बनाए रखना, ये दो आयाम। तो उनकी भावना से तो मैं सहमत हूं, लेकिन कुछ कुछ एंटी एस्टेब्लिशमेंट एंटी, मैं थोड़ा ये शब्द बड़ा हार्श है, लेकिन वहां पर एंटी संविधान यानी एंटी संविधान भी घटना है वहां पर है। वहां पर एक गांव में बोर्ड लगाया गया था, वो वीडियो आप हमारे देख भी सकते हैं कि हमारे गांव में हमारी ग्राम पंचायत में भारत के संविधान की ये चार चीजें नहीं चलेंगी। जब आप कहते हैं कि हम संविधान ही नहीं चलने देंगे, तब आप संविधान का प्रशासन नकार देते हैं, आप संविधान की न्याय व्यवस्था नकार देते हैं, आप संविधान का पुलिस प्रशासन भी नकार देते हैं। तो हमारे गांव में अगर हमको गलत लगता है तो हम उनकी हिंसा कर देंगे, उनके हाथ पैर तोड़ेंगे, उनका खून बहाएंगे, हम किसी को नहीं मानेंगे। ये वामपंथी है। संविधान नहीं चलेगा, भारत की परंपराओं से जड़ों से लोगों को काटेंगे, और जो हमारे अंदाज में नहीं चलेगा उसको मारेंगे काटेंगे, उसके पशु को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की जी इस तरह का वहां के आदिवासियों में इस तरह का स्वभाव विकसित करने के जो षड्यंत्र हो रहे हैं, मैं ये मानता हूं आपकी बात सुनने के बाद कि वो एक दिन के काम तो हो नहीं सकता, वो एक महीने दो महीने में भी तैयार नहीं हुआ है। ओवर द ईयर्स वहां पर इस तरह की गतिविधियां चलती रही होंगी और इनका प्रतिकार करने के लिए शासन की तरफ से जो होना चाहिए वो भी नहीं हुआ है। और दूसरा पक्ष ये है कि सामाजिक शक्तियों को भी, राष्ट्रवादी शक्तियों को भी वहां पर ऐसे लोगों के जो कुप्रयास हैं, षड्यंत्र हैं, उनको काउंटर करने के लिए जो करना चाहिए शायद वो अभी नहीं हो पा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये मेरा व्यक्तिगत मत है जी। हमें आदिवासियों की परंपराओं को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा क्योंकि वो हिंदू परंपराएं ही है। वहां पर रोजगार की समस्या काफी बड़ी है जी, और रोजगार की समस्याओं को हमें डायरेक्टली एड्रेस करना पड़ेगा। हमें डंके की चोट पर कहना पड़ेगा कि आदिवासी समाज की सारी परंपराएं हमारी है और ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई इतनी छोटी नहीं है, क्योंकि जिस गति से और जिस प्रकार से आने वाले आदिवासी युवकों में ये जहर फैलाया जा रहा है कि आप धर्म की परंपराओं को भी आप मानिए, आप संस्कृति की परंपराओं को भी मानिए, लेकिन भारत ये राष्ट्र आज जिस बैकबोन से चल रहा है, जिस मेरुदंड से चल रहा है, वो मेरुदंड इस देश का संविधान है जी। अगर हम उसको भी नकारेंगे, अगर हम वो भी नहीं मानेंगे, तो जो समस्याएं खड़ी, आप चिखली, पालघर इस और ये एंटी क्या कहेंगे इसको, एंटी राज्य घटना, ऐसा आप गूगल कीजिए, आपके सामने इमेजेस आ जाती हैं, वो बोर्ड के फोटोज आते हैं कि हमारे 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 गांव में ये संविधान नहीं चलेगा। तो ये किस प्रकार की लड़ाई है और ये किस प्रकार की लड़ाई हमें किन तथ्यों के, किन स्ट्रैटेजीज के आधार पर लड़नी पड़ेगी। वहां पर राष्ट्रवादी संगठनों का काम है, वहां पर काम नहीं है, ऐसा नहीं है। वहां पर स्कूल चलाए जाते हैं, वहां सेवा कार्य चलाए जाते हैं जो संघ के माध्यम से चलाए जाते हैं, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से चलाए जाते हैं, काफी कॉरपोरेट सेक्टर की एनजीओ भी वहां पर काम करती है, अच्छे और बड़े भारतीय कॉर्पोरेट की भी एनजीओ वहां पर शिक्षा का, रोजगार का काम करती है जी। लेकिन वैचारिक स्तर पर जो जहर फैलाया जा रहा है, वो जहर फैलाने के की जो प्रक्रिया है
वो रोकने के लिए हमें कुछ अलग प्रावधान करने पड़ेंगे। केवल सेवा, रोजगार, संस्कार, संस्कृति ये काफी नहीं पड़ेगा। मैं उनका महत्व नकारता नहीं हूँ, वो चाहिए, क्योंकि अगर सांस्कृतिक और धार्मिक आधार नहीं है तो हिंदू समाज का बेसिक बाइंडिंग ये सारे घटक करते हैं। लेकिन रोजगार, युवाओं की अभिव्यक्ति, युवाओं की, अगर आप अगर वहां पर घूमते हैं तो थोड़ा आर्थिक स्तर अच्छा हो गया तो लड़कों को मल्टीमीडिया मोबाइल चाहिए है, मोटरसाइकिल चाहिए है, फैशनेबल कपड़े चाहिए है, कनेक्ट होने के लिए इंटरनेट चाहिए है, 4G चाहिए, 3G चाहिए, जो क्योंकि ये शहर से सटे हुए इलाके हैं तो जो जो शहरी अभिव्यक्ति होती है वो वहां पर भी लोगों को उसको चाहिए। इन सारे सोशल नीड्स को हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, किरण जी, आपने मुंबई से हमारे साथ जुड़कर और सीधे पालघर से लौटकर संतों की नृशंस हत्या के मामले की पृष्ठभूमि पर विस्तार से चर्चा की, हमारे और हमारे मित्रों के सवालों के जवाब दिए। इसके लिए मैं जेके नाउ की तरफ से आपका हृदय से आभारी हूं। एक अंतिम प्रश्न आज की सभा को विराम की तरफ ले जाते हुए, इस सारे प्रकरण में एक संपादक के नाते आप केंद्र की आने वाले दिनों में क्या भूमिका देखते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं, और जांच को लेकर, जांच सही दिशा में चली जाए, मीडिया के एक प्रमुख व्यक्ति के नाते, शख्सियत के नाते, आपकी संपादकीय टिप्पणी इस पर क्या है? संपादकीय टिप्पणी मेरी यही है कि ये सारे क्षेत्र के सोशल एलिमेंट्स, क्रिमिनल एलिमेंट्स और क्रिमिनल एलिमेंट्स के आधार पर खुद का राजनीतिक अस्तित्व टिकाए रखने के जो प्रयास है वो तोड़े जाना बहुत जरूरी है। और क्योंकि राज्य में अब जिस विचारों की मिलीजुली सरकार है जी, उनके तो ये प्रायोरिटी का विषय है ही नहीं। तो और विक्टिम्स अगर हम जाकर देखें तो कई जगह पर सिटिंग सरपंच भारतीय जनता पक्ष के हैं और वो भी इस सारी राजनीतिक हिंसा के शिकार भी हैं। तो होम मिनिस्ट्री का इंटरफेरेंस, नेशनल होम मिनिस्ट्री का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, इलेक्शन लड़ना, बाय इलेक्टोरल वे सत्ता में आना, ये किसी भी राजनीतिक दल का, फिर वो कम्युनिस्ट पार्टी का हो, फिर वो भारतीय जनता पार्टी का हो, शिवसेना का हो, कांग्रेस का हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस का हो, सबका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप चुनकर आइए जी, आप चुनकर आ सकते हैं, आप लोगों के वोट लीजिए, क्योंकि ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, तो आप चुनकर आइए। लेकिन अगर आप हिंसा के आधार पर चुनकर आना चाहते हैं, हिंसा के आधार पर यदि आप अपनी राजनीतिक विचारधारा टिकाए रखना चाहते हैं तो ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं। हमें उन साधुओं के प्रति कृतज्ञ रहना पड़ेगा, क्योंकि उनका बलिदान वहां पर हुआ है। इसीलिए पूरे देश को ये पता चला है कि इस परिसर में, इस एरिया में ऐसी घटनाएं बारंबार होती रही है। मैं जेके नाव को के आभार इसीलिए प्रति जेके नाव के प्रति आभार इसीलिए व्यक्त करना चाहता हूं कि एक पोर्टल होकर, एक फेसबुक पेज होकर भी आपने इस विषय के मैंने रूट्स तक जाने का प्रयास किया है। नहीं तो दो तीन मीडिया छोड़कर, यानी रिपब्लिक और न्यूज नेशन और जी, ये तीन में नाम लेकर कहना चाहता हूँ, ये तीन नेशनल मीडिया छोड़कर बाकी किसी ने इस विषय के रूट में जाने का प्रयास ही नहीं किया है कि यहाँ हिंसा, बेसिकली ये हिंसा क्यों, आपने चोर है इसलिए पकड़ा, ठीक है, आपने चोर है इसलिए पकड़ लिया तो आप पुलिस को दे दीजिए, आप पुलिस स्टेशन में लेकर जाइए और पुलिस आ गई है तो उसके बाद दे दीजिए। अब ये क्या खून सवार है आपके सर पर कि एक 70 साल के, जबकि एक चोर को जो प्रूव है कि चोर है, उसके साथ कुछ माल बरामद हुआ है, उसके साथ उसको आपने सबने मिलकर पकड़ा है, अगर हमारे घर पे कोई चोर आता है और कुटुंब के सारे सदस्य मिलकर उस चोर को पकड़ते हैं तो हम उस चोर का खून तो कर नहीं देते हैं, हम उसे लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। तो ये मानसिकता क्या है और ये मानसिकता क्यों बनी है कि हम उसके सर पर लाठी मारेंगे, कुराड़ी मारेंगे और उसको वही खत्म कर देंगे, और हम देख रहे हैं कि वो खून से लथपथ है, उसके सर से खून बह रहा है,
फिर भी हमारी ये मानवीय भावनाएं क्यों खत्म हो गई हैं? भारत का संविधान, भारत का कानून, भारत का कायदा उस चोर के का भी मानवाधिकार मान्य करता है कि उसे जेल में लेकर जाना चाहिए, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए और उसकी न्याय प्रक्रिया के आधार पर उसकी जो भी शिनाख्त होनी है, सजा होनी है, फिर भारत का कोर्ट उसे जेल में डाले या फांसी लगा दे, इट इज अप टू द कोर्ट। लेकिन आप ही कोर्ट क्यों बन गए हैं? आपको खून क्यों कर देना है? आपको उनकी जान क्यों लेनी है? वो मरा पड़ा है, वो घायल है, वो वहां पर गिरा पड़ा हुआ है, वृद्ध व्यक्ति है, फिर भी आप उसको बर्बरता से पीट रहे हो, खून भरा है। ये मानसिकता का विकास कैसे हुआ है? ये क्या है? ये क्यों बना है? हम इसके रूट में जाना चाहते हैं क्या? यही मेरा प्रश्न है जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। किरण जी संपादक हैं, संपादक को सवालों के जवाब भी देने होते हैं, संपादक को सवाल उठाने भी होते हैं। आज की इस चर्चा में आपने इन दोनों भूमिकाओं का बखूबी निर्वहन किया। आज इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे है, दुनिया भर में प्रेस फ्रीडम की हालत क्या है इस पर भी अलग से चर्चा हो सकती है, परंतु भारत में भारत का मीडिया, भारत का मुख्यधारा का मीडिया कितना फ्री माइंड से, फ्री होकर ऐसे सवालों पर काम कर रहा है, ये भी आज मंथन का, आत्मनिरीक्षण का विषय हमारे मुख्यधारा के मीडिया के लिए हो सकता है। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए एक बार फिर से किरण जी आपका आभार, और चलते चलते उन तमाम मित्रों में से कुछ एक के नामों का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा जो लगातार चर्चा में हमारे साथ बने रहे, राजेश गुप्ता जी, इंजीनियर दीप्ति जी, मंजुल नेथानी जी, किशोर एलानी जी, सागर कोल्हे भारत यूए, करण सत शर्मा जी, राधेश्याम शर्मा जी, एडवोकेट शांडिल्य जी, और ऐसे अनेक मित्र अजय डांगे जी समेत मनोज कुमार जी लगातार इस चर्चा का जो हिस्सा बने रहे, जिन्होंने इस चर्चा को और मित्रों तक पहुंचाने में भी हमारी मदद की, आप सबका हृदय से आभार। पालघर की घटना एक साधारण आपराधिक घटना नहीं है, केवल उन दो संतों और एक उनके सारथी की, तीन लोगों की हत्या का मामला नहीं है, ये किसी अफवाह में से पैदा हुई तात्कालिक घटना है, ऐसा मानकर इसको छोड़ा नहीं जा सकता। इसकी पृष्ठभूमि में भी जाना होगा और आने वाले समय में इसके जो इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, अगर हम नहीं जागे, देश नहीं जागा, तो स्थितियां विकट हो सकती हैं। इस पर व्यापक मंथन, चिंतन, और जिनको एक्शन लेना है, जो एक्शन लेने की स्थिति में है, वो सब करने की हम सबको आवश्यकता है। इस निष्कर्ष, इस टिप्पणी के साथ और एक संदेश शायद मेरे पास है सबके साथ साझा करने के लिए, उस संदेश के साथ मैं बातचीत को विराम की तरफ लेकर चलूंगा। मेरे पास हमारी जेके नाउ की टीम का संकेत है कि हम आज 2 बजे मेजर जनरल ध्रुव कटोच के साथ बात करेंगे, जिसमें जो हंदवाड़ा का एनकाउंटर है उसके शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, और जो जम्मू कश्मीर में जो संघर्ष चल रहा है राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ, उसके विभिन्न पक्षों पर भी आज के उस लाइव में विमर्श होगा। आप सब मित्र उस लाइव में भी हमारे साथ जुड़ें। एक बार पुनः सभी साथियों का, किरण जी समेत, हृदय से आभार और सबको नमस्ते।